हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर ना होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी, और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा, ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी।